नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में। मेंबर्स के लिए वीडियो है, लर्निंग एंड अर्निंग वाला जो हमारा सिल्वर सेक्शन है उसके लिए। तो ये है दोस्तों एसबीआई लाइफ का चार्ट, और यहाँ पे ये शायद इस बार ब्रेकआउट दे दे, बट ध्यान रखिएगा इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन लग सकते हैं ब्रेकआउट देने के लिए, ठीक है। तो आपको नज़र बना के रखनी है एसबीआई लाइफ में, जैसे ही ये 1210 के ऊपर ट्रेड करने लगे, आपको अगले 4 से 5 दिन के लिए इसको बाई करना है। 1210 पे जब आप इसको बाई करेंगे तो आपका जो एसएल रहेगा वो नोट करिए। सबसे पहले ट्रेड लेते हुए रिस्क को हमें डिफाइन कर लेना चाहिए। तो रिस्क हमारा जो निकल के आ रहा है वो है बाबूजी 1190, 1190। भगवान की दुआ से अभी तक सारे जबरदस्त गए। आपको लास्ट वीक में सनफार्मा दिया था और उसके साथ कौन सा दिया था, दीपक नाइट्रेट दिया था, उन दोनों में अभी भी हैं तो बने रहिए। दीपक नाइट्रेट तो मैंने काफी लंबा दिया है, ठीक है। एक भी अब तक लर्निंग एंड अर्निंग में ऐसा चीज नहीं हुई है कि ऐसे लेट हो, ठीक है। जो प्लेटिनम में पर्सनल वाले हैं उसमें जरूर एक ट्रेड का अब तक ऐसा लेट हुआ है, अदरवाइज लर्निंग अर्निंग एंड गोल्ड जिसमें 4 से 5 ट्रेड मैंने मंथली बोले, ईच एंड एवरी ट्रेड पिछले 15 दिन में सुपर हिट रहा। चलिए एसबीआई लाइफ में आपको 1210 के ऊपर बाई करना है, ये एसएल हो जाएगा आपका अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो, ठीक है। इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो, और क्लोजिंग नहीं भाई, स्क्रीन पे यही लेवल आ जाता है जो मैं अब मार्क करने वाला हूं, ये लेवल निकल के आता है आपका 180। और स्क्रीन पे अगर मान लीजिए 1188 के करीब क्लोज हो रहा है, 1188, तब भी आपका एसएल हिट है, ठीक है। और स्क्रीन पे अगर 1180 आ जाता है तो भी आपका एसएल हिट, ठीक है। फिर क्लोजिंग का इंतजार नहीं करना है। चलिए 1210 के ऊपर आप बाई करेंगे तो रीजन क्या है भैया, इसका कारण क्या है, ये देखिए, ये पूरी एक रेंज जो बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका ब्रेकआउट देगा, ये जो मैंने यहां पे आपको दिखाया, और जब इसका ब्रेकआउट देगा तो यहां से इसके टारगेट 1300 प्लस के आ रहे हैं। बट बीच में जो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर रहेंगे वो मैं आपको भी अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया, कारण क्या है भैया, एक रेंज को ब्रेकआउट देगा। और रेंज कब की है ये, कितने दिन की, एक बार देख लेते हैं, ये कब से इस रेंज में है, ये डेट है आपकी 18th of October, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर भैया तीन महीने से तो ऊपर हो गए हैं, तो 3 महीने की रेंज को देगा तो गोली की रफ्तार से जाएगा। तो कोई पुट कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो 1220 के करीब का कॉल ऑप्शन भी ले सकता है, ऐसे यही रहेंगे जो मैंने स्पॉट पे बताया, ठीक है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार इसको ब्रेकआउट दे देगा। क्यों दे देगा, चलिए ये भी आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी लाखपते की चीज बता रहा हूं। कभी भी कोई चीज रेंज में कब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकती है उसको आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईएमएस। एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूं, मतलब समझिए ध्यान से, ये है इसका 20 EMA, ये है इसका, सॉरी ये है इसका 10 EMA, ये है इसका नीचे वाला 20 EMA, और ये काले वाली लाइन है इसकी 50 EMA। तो जब जब ये ऊपर की तरफ गया है, जब जब ये ऊपर की तरफ टैग करने गया है, ठीक है, यहां पे ये जो बेरिश क्रॉसओवर था, सबसे पहले है 50 EMA, फिर है नीचे 20 EMA, फिर है नीचे 10 EMA। कभी ऐसे हुआ है कि 50 EMA ऊपर है, यहां पे फिर ऐसे 10 EMA आ गया है बट उसके नीचे 20 EMA आ गया है। कई बार ऐसे हुआ, ये देख लीजिए आप, यहां पे ये 50 EMA है, इसके ऊपर 10 EMA चला गया है बट 20 EMA नीचे, ठीक है।
बट इस बार क्या कहानी, ये देख लीजिए आप, ये है 50 mm, ठीक है, ये है 20 mm पर्पल कलर की लाइन जो है, और ये आपका ग्रीन वाली लाइन 10 mm। तो अब तक जब भी ये ऊपर गया, ध्यान से देखिए, जब भी ये ऊपर गया है, इस वाले पोजीशन में हम चेक करेंगे, इस वाली पोजीशन में हम चेक करेंगे, इस वाली पोजीशन में हम चेक करेंगे, हम यहां भी चेक कर लेंगे एक बार, और हम यहां भी चेक कर लेंगे एक बार। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है आपका 10 mm। तो ग्रीन वाली लाइन को आप देखना बस, जब ये यहां पे ऊपर गया तो ग्रीन वाली लाइन सबसे नीचे है, यहां जब ये ऊपर गया तब भी ग्रीन वाली लाइन सबसे नीचे है, यहां जब ये ऊपर गया तब भी ये ग्रीन वाली लाइन सबसे नीचे है, यहां जब ये ऊपर गया इस जगह तब भी ये हरे वाली लाइन सबसे नीचे है, यहां जब ये ऊपर गया तब भी ये हरे वाली लाइन सबसे नीचे है, अब जब ये ऊपर जा रहा है तब हरे वाली लाइन सबसे ऊपर है। इट मीन्स ये 10 mm में हो गया, ये 20 mm में हो गया, ये 50 mm में हो गया, तीनों का तीनों बुलिश क्रॉस ओवर में आ चुके हैं। तो 90% चांसेस हैं, ठीक है, स्टडी हमेशा स्टॉक मार्केट में भाई 80-90% ही आप कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं, 100% कुछ नहीं है, 90% चांसेस हैं ये इस बार इसको तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो तोड़ेगा, उसका लेवल भैया 1210 है, 1210 के ऊपर आप बाय करिए, नीचे 11 छोटा सा रिस्क रखिए, और रेंज को तोड़ेगा 1300 प्लस के टारगेट है। बीच के जो स्पीड ब्रेकर है उसके लिए पीछे का चार्ट खोलिए, पीछे के चार्ट को खोल के देखते हैं, 6 महीने का लगा लेता हूं उसको बिल्कुल। तो जो 1300 के इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं उसमें जो बीच का स्पीड ब्रेकर निकल के आ रहा है वो पहला है 1220 नजदीकी है भाई, और दूसरा है 1240, ठीक है, और तीसरा है 1255, 1258 इसके करीब के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और आप एक चीज और कर सकते हैं, ज्यादा ही अगर क्या कहते हैं, ये जब तक इस लाइन के इधर है, ये जो मैंने लाइन खींची है, ठीक है, इसमें बाई साइड पोजीशन में बने रही, जब तक ये इस लाइन के इधर है आप इसमें बाई साइड पोजीशन बने रहिए, ऊपर का ही टारगेट एक एक करके हिट करता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ऑप्शन वालों की लड़ाई टाइम के अगेंस्ट भी होती है, जो आपका टाइम चल रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ये था लर्निंग अर्निंग, काफी ब्यूटीफुल, काफी अच्छा ट्रेड, काफी पते की चीजें सिखाई है मैंने इसमें, और ये सब दोस्तों मैंने कहीं से नहीं सीखा है, अपनी खुद की मेहनत से सीखा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।